हाय गाइस, वेलकम बैक इन कंप्यूटर ग्राफिक्स प्लेलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीगन की। हमने अब तक बात कर ली सारे एल्गोरिथम की, लाइन के ऊपर, ठीक है, सर्किल के ऊपर। अब बात करूंगा पॉलीगन की। तो एक्चुअली पॉलीगन इज द प्लेन फिगर दैट इज डिस्क्राइब बाय अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कनेक्टेड टू फॉर्म ए क्लोज पॉलीगन चेन और पॉलीगन सर्किट। यानी कि जैसे कि तीन लाइन मिलकर कुछ बना दिए, चार लाइन मिलकर बना दिए ना, तो वो आपका पॉलीगन बनता है। लाइक ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है, ऑक्टस हो गया आपका, इसी प्रकार से बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। वेन वी नो द पॉलीगन इज अ फिगर विद मैनी साइड्स, आप कह सकते हो। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, काफ़ी सारी शेप आपको देखने की मिल पा रही है यहाँ पर, ठीक है। अ पॉलीगन इज अ चेन ऑफ कनेक्टेड लाइन सेगमेंट, जैसा कि इन्होंने कहा कि इट इज अ चेन ऑफ कनेक्टेड लाइन सेगमेंट। काफ़ी सारी लाइन जुड़ के एक शेप को बना देती है, लाइक ट्राइंगल, स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट वर्टेक्स इज कॉल्ड इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट, एंड लास्ट वर्टेक्स इज कॉल्ड द फाइनल और टर्मिनल पॉइंट। तो देखिए, ए टू डायमेंशन शेप विच इज एनक्लोज्ड बाय ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इन अ फॉर्म ऑफ क्लोज लूप इज कॉल्ड ए पॉलीगन। पॉलीगन की डेफिनेशन काफी सारी दे दी, इनको फोर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: रेगुलर पॉलीगन, इररेगुलर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स से कुछ याद आया 10वीं क्लास की बात, अभी आगे बात करेंगे इसके ऊपर भी। देखिए, रेगुलर की बात है जिसके अंदर पॉलीगन की सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए एंड द इंटीरियर एंगल आर सेम, सब अंदर के एंगल सेम होने चाहिए। लाइक ट्रायंगल में हमको सबको पता है 60 डिग्री होता है, स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री होना चाहिए, और सबकी वो क्या होता है, साइड की लेंथ भी सबकी इक्वल होती है। ओके, सो इंटीरियर एंगल्स मेजर टू 120 डिग्री। ओके, सो आपको ये एग्जांपल दिख गया, रेगुलर समझ में आ गया, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है वो पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। इररेगुलर पॉलीगन कौन से होंगे, जिनकी शेप्स और साइड एंगल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, यानी कि एंगल भी इक्वल नहीं होंगे, साइड्स भी इक्वल नहीं होगी। एग्जांपल आप देख सकते हो, क्वाड्रिलेटरल विद अनइक्वल साइड्स एंड आइसोसेलिस ट्राइंगल हैज टू साइड ऑफ, जिसकी दो साइड इक्वल होती है, एक नहीं होती है, इसलिए आइसोसेलिस भी इररेगुलर में आता है। क्वाड्रिलेटरल में आप देखते हो अनइक्वल साइड देखने को मिलती है, और इनके आपको बताइए एंगल तो फिर होंगे उल्टे फुलटे, साइज उल्टा फुलटा है तो इररेगुलर के अंदर। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर क्या होता है, जितने भी अंदर के एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल, वो लेस देन 180 डिग्री होते हैं, वही आपके कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है। इट इज जस्ट अपोजिट टू द कॉनकेव, क्योंकि उसके अंदर जितने भी एंगल होंगे अंदर के, इंटीरियर एंगल, वो 180 डिग्री ज़्यादा होते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं किसमें, कॉनकेव में, और कम किस में होते हैं, कॉन्वेक्स में होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर आउटवर साथ के साथ वर्टिक्स ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन आर ऑलवेज आउटवर्ड्स, ठीक है। इसके अंदर कॉन्वेक्स में इनर और आउटर दोनों हो सकती है। तो आई थिंक आपको पॉलीगन का आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा अपन जैसे पॉलीगन में कलर कैसे फिल किया जाए, तो उसके ऊपर बात की जाएगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड साथ के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप नीचे लाल बटन दिख रहा है उस पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।